हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम फरहान खान, मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्लास 11 और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस का एग्जाम हो गया है, तो आप लोगों ने किसी भाई ने मुझसे कमेंट्स पर पूछा था कि भैया सेल्फ फाइनेंस में कितने नंबर पर एडमिशन हो जाता है और कब एडमिशन होता है, क्या एडमिशन प्रोसेस है सेल्फ फाइनेंस की, ठीक है, फीस कितनी लगती है, सारी चीजें मतलब मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। उसने मुझसे कुछ ही पॉइंट्स पूछे थे, फीस पूछी थी, हॉस्टल के बारे में पूछा था, एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूछा था, ठीक है। तो मैं इस पे सारी सब कुछ बताने वाला हूँ, इससे अलावा भी बहुत कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अगर आपने क्लास 11 और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस का एग्जाम दिया तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक दोस्तों। इसमें मैं क्या क्या देखूंगा, देखो दोस्तों मैं इसमें देखूंगा कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, अब बताने में थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं इसमें बताऊंगा दोस्तों कि सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई कैसे करें, ठीक है, कैसे करते हैं, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, ये सब कुछ बताऊंगा, और सीट रिजर्वेशन क्या है। तो मैं ऊपर से चलता हुआ हूँ, तो दोस्तों इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे कि आपका रेगुलर का रिजल्ट आ जाएगा, क्लास 11 का जो एंट्रेंस का एग्जाम हुआ उसका रेगुलर का एक सिलेक्टेड लिस्ट आएगी, उसकी एडमिशन प्रोसेस होगी। एडमिशन प्रोसेस के 15 दिन के बाद, एडमिशन प्रोसेस के 15 दिन के बाद दोस्तों इसका सेल्फ फाइनेंस का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, आपको वहां से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के 15 दिन के बाद एक सिलेक्टेड लिस्ट आएगी, जिस जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ होगा उसमें सेल्फ फाइनेंस में, उसकी लिस्ट आएगी दोस्तों। आपको एंट्रेंस नहीं देना है, एंट्रेंस आप दे चुके हैं, ठीक है, उसकी एक सिलेक्ट लिस्ट आएगी, आपको अपना एडमिशन लेना होगा। एडमिशन प्रोसेस मैंने बता दिया, फीस स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, इसकी 24,000 पर ईयर लगेगी आपकी फीस, ठीक है, 24,000 पर ईयर आपकी फीस रहेगी इसकी सेल्फ फाइनेंस की। हॉस्टल इसमें आपको मिलेगा नहीं दोस्तों, सेल्फ फाइनेंस के लिए कोई भी हॉस्टल नहीं है। एलिजिबिलिटी हम देखते हैं, एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसके मिनिमम 15 नंबर आए हों एंट्रेंस में। जी हाँ, अगर आपके क्लास 11th का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है ना, क्लास 11th का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें अगर आपके 15 नंबर आ रहे हैं तो आप सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा, ठीक है। और वहीं इंटरनल स्टूडेंट का देख लेते हैं दोस्तों, इंटरनल स्टूडेंट का अगर 0 नंबर भी आ रहा है ना, और इसने अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन किया है सेल्फ फाइनेंस के लिए, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। सीट रिजर्वेशन क्या है दोस्तों, सीट रिजर्वेशन ये है कि 80% सीटें, 80% सीटें किसके लिए है दोस्तों, 80% सीटें हैं इंटरनल स्टूडेंट के लिए, ठीक है, और 20% सीटें आपकी एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए हैं। 20% सीटें किसके लिए हैं, एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा सेल्फ फाइनेंस के रिलेटेड आपका ये वीडियो, फिर भी अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों। अगर मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा आईडी वगैरह दे दूंगा, ईमेल आईडी दे दूंगा, आप वहां से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।